और प्यार करने वाला करवाने आ गया इधर तक, ये कह रहा मुझे प्यार करो, पानी के अंदर पैर डाल लिया, कह रहा मुझे प्यार करो। छोड़ो उस बात को, अब ये क्या वो जानवर आएगा ईद के दूसरे दिन आएगा सुबह, के पापा ने नहीं लाने देना, मुझे पता है वो स्ट्रिक्ट है इस मामले में, भी जानवर एन टाइम पहला और काट दो। लोग मेरा काम चेक कर, मैं ब्लॉग को शुरू नहीं किया, मैं नाश्ता करने बैठ गया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द ब्लॉग, कैसे हो, ठीक ठाक करके कैसे हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट्स नहीं किया तो कर लो, किस चीज का वेट करो, रोजाना के रोजाना मंडी ब्लॉग आ रहा, रोजाना रोजाना जानवर के ब्लॉग आ रहे हैं, कर दो यार, अब तो मैं सपोर्ट कर रहा था तुम लोग, यार ऐसा तो नहीं होता है यार। जो वर्ल्ड कप शुरू हुआ है ना, मैं इसका बेटे मैच देख रहा था, ये जो अपने यूएसए वर्सेस पाकिस्तान था, ओ यार मैं तो बोला कि ये क्या ड्रामा कर रहे हैं लोगों ने यार, समझ भी नहीं आया यार, ऐसे टाइम पहुंचते बिल्कुल आखिरी टाइम पे के भाई माशाल्लाह माशाल्लाह आखिर टाइम पोट देंगे, फौरन फौरन उठ के तैयार होना पड़ता है काम पे जाने के लिए, नाखून काटना हो गया, नाखून काट लेता हूँ, दो चार दिन में शुरू हो जाएंगे, तब से मुझे लगा दो चार दिन में शुरू हो जाएंगे, हो सकता है आज शुरू हो जाए कल शुरू हो जाए, दो चार दिन तो बहुत दूर की बात है, आज या कल में शुरू हो जाएंगे, तो नाखून काट रहा हूँ बहुत लंबे लंबे ना हो, ये देखो ये मेरे बाप की प्रॉपर्टी जो मुझे लंबी कर रहा हूँ, बड़ी कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। आजकल जो है ना डेली ये कपड़ा मेरे साथ जाता है ऑफिस, इसकी वजह ये शाम वाम में बाड़े बाड़े के चक्कर लग जाते हैं तो उसमें जरूरत पड़ जाती है, ऑलमोस्ट डेली शाम में ना हमारा बाड़े पे चक्कर लगता है, दूसरी बात है हॉट टॉपिक चल रहा है, कॉन्टेंट ही बन जाता है। असलाम कैसे ठीक ठाक, जिंदगी पहली बार सुबह मिला हूँ आज। ये जो सुपर लग्जरी सीट्स होती है ना, मैं कहता हूँ इज़ वेरी कंफर्टेबल, ये हर गाड़ी में आनी चाहिए, बहुत कूल चीज़ है यार, ये कंफर्टेबली बंदा बैठता है, मैं तो बिल्कुल हाई करके बैठता हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, लो पे मुझे मजा नहीं आता है, पापा थोड़ी सी लो रखते हैं और हैंडल थोड़ा सा ऊपर रखते हैं, मैं स्टीयरिंग नीचे करके बिल्कुल हाई कर देता हूँ, आई फील कंफर्टेबल लाइक दिस। अब बटन स्टार्ट सीन में हट गाड़ी में, पहले 2017 तक गाड़ी में नहीं आता था, उसके बाद सब गाड़ी में आने लगे, बस सिर्फ ग्रैंडी चरंडी तक आता था ये, अब वैगन आर मीरा मतलब हर छोटी मोटी गाड़ी में भी आ रहा है। बीच में दो तीन दफा ना बहनों ने ड्रामा डाला, अभी हमें गाड़ी चाहिए ऑटोमेटिक, हम सब मैनुअल नहीं चलते, तो पापा ने बोला ठीक है ऑटोमेटिक खरीद लेते, हम लोग गए स्विफ्ट के शोरूम, वो इतनी महंगी गाड़ी मिल रही थी ना, हमने कहा इतने पैसे डालने से अच्छे हमको इसे डाल ले, मतलब कि 42 लाख से अगर आप उस वक्त 2000 ये बात है, आज से 2 साल पुरानी बात होगी, साल दो साल पुरानी बात होगी, तो कहते हैं मैं कहा इससे अच्छा तो आप कुछ सिडान खरीद लो यार, उतने पैसे में तो सिडान आ जाएगी, क्योंकि टोयोटा की वो ज्यादा बेहतर नहीं है, तो फिर अल्लाह ताला ने बस ऐसा वसीला बना दिया ऑटोमेटिक गाड़ी में मिलेगी स्विफ्ट भाई से। फिर वी आर एट वर्क, ठीक है अब बस शाम में इंशाल्लाह कुछ सेटिंग बना के जरूरत पड़े तो निकलेंगे, वरना अभी आई एम नॉट श्योर क्या निकलेंगे यार, दो दिन बाद वैसे हमें परमानेंटली जाना है, परमानेंटली मतलब कि वैसे परमानेंटली कारण हमें जाना तो है मंडी, तो आज देखते अगर आज जाते नहीं आते, हो सकता है आज एक चक्कर मार के आ जाए, तो तुम दिखा दूंगा, आज के शोर नहीं है लेकिन अपना जानवर तुम लोग आज दिखाऊंगा। बाहर पहनेगा इस बंदे से, मोड़ा नहीं पहनाया जा रहा बछड़े को यार, तो बहुत गई बाहर लाना पड़ेगा, अंदर कभी भी नहीं पहनेगा, तो बाहर ला के इधर बंद, ओ भाई उसका मुंह ऊपर के बांधना पड़ता है फिर जाकर चढ़ता है अंदर, तो वो कभी भी मस्तियां करता रहेगा अंदर वो। A few minutes later, मुझे सबके सब ऑफिस के अंदर है, कह रहे थे बछड़े का ब्लॉग बनाओ सर, मैंने सोचा पट्टा बांधा ना तो इसकी मस्तियां शुरू हो गई, जैसे मैंने पट्टा डाला ना इसकी इसकी मस्तियां शुरू हो गई, तो सब मुझे कह रहे थे आप ब्लॉग बनाओ, मैं चलो बना लेते हैं सर, मैंने टेंशन इस बात की नहीं क्योंकि देखो इसके ना नाक के रस्से डली हुई है तो ये कुछ कर नहीं सकता, सीधा हो गया यार एकदम सीधा हो गया, ये काला पट्टा मैंने डाला इसको अंदर डाल के ना, अभी वो अकेले बांध लिया, फिर जब पीछे होता देखता आते नहीं आता, नहीं यार तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, अभी बिल्कुल ऐसे अटैकिंग मोड में खड़ा हुआ, मस्ती करेगा ना तो उसको तो काम तमाम कर देगा भी है। पता नहीं क्या चीज, जहाँ व्लॉग शुरू होते हैं सारी की सारी चीज सीधी हो जाती है, ये भी बिल्कुल सीधा हो गया, पता नहीं सीन के व्लॉग से लोगों क्या होता है क्या नहीं समझ से बाहर है। अभी नमाज पाए थे तो यहाँ पे ना जानवर शानवर हमें भी गाड़ी निकल गई, एक गाड़ी खड़ी थी जानवर शानवर हमें सारे, ये मैं नमाज से बाहर खड़ा के ब्लॉग बना रहा हूँ। मैंने अभी बंदों को कॉल कर दी, संडे का डन कर लिया, भाई जानवर लेके जाना सब कर लिया, मोड़े भी लिया सब कुछ हो गया, गाड़ी वाले फ़ोन कर दिया अभी संडे को आ जाना, पापा आ गया था अभी रुक जाओ, मैं कहा आपकी ऑर्डर थे जानवर बेचना है, मैं सब रेडी कर दिया, मोड़ा भी आ गया, मैंने कहा बंदे भी रेडी हो गए संडे को ले जाने के लिए, बस गाड़ी का करवा रहा हूँ, गाड़ी वाले से बात कर रहे हैं, तो वो पापा वो कहते नहीं वो अभी रुक जाओ इसको काम को घर पे काट लो, मैंने कहा यार सारा मैं कंटेंट वॉन्टेंट सब क्या, वो जितने भी आप करीब करीब जानवर आए मैं ना घर के वो दिखा सकता हूँ, मुझे अगर इसमें मंडी वाला सीन था मेरा फ्लॉप जाएगा यार, जो मेरा मंडी का प्लान था घर वाले कह रहे तो घर पे काट, ऐसे हमने आज जो नीयत थी ना जो मेरे भाई ने जो खरीदा था जिस नीयत से वो नीयत भी यही थी कि इसको हमने ना सेल करना है और प्यार करने वाला करवाने आ गया इधर तक, ये कह रहा मुझे प्यार करो, पानी के अंदर पैर डाल लिया, कह रहा मुझे प्यार करो, ठीक है भाई कहता घर ले जाएंगे, मुझे लेकर अब घर पता है कब जाएगा, अबू ने घर ले जाने देना नहीं, अभी जाएगा ईद के दूसरे दिन सुबह सुबह, मुझे पता है पापा कहते हैं कि एंड टाइम पे लेकर बस किसाई और काट दे, प्यार कर रहा हूँ बेटा प्यार कर रहा हूँ प्यार कर रहा हूँ प्यार कर रहा हूँ प्यार कर रहा हूँ। मैं घर आया हूँ, मुझे दोस्तों ने सांस भी नहीं लेनी, तो बोला आज क्रिकेट खेलने में, तो आपको मेरा सामान वामान सब चुप पड़ लेगा तो जाओ क्रिकेट गारंटी, थका हुआ बंदा तो पापा जरा खेल लो,
तो सीन जैसे क्या है, तुम लोग मैंने पहले बताया कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा माजरत चाहता हूँ, क्योंकि देखो पूरा 100% ये था, बट लिटरली आज तक मैं देखो जीत तो तुम लोग मैंने बताया, मैं बंदर से बात कर रहा गाड़ी का कि भाई गाड़ी मुझे चाहिए, भैंस को नहीं जानवर लेके जाना है, सारा कुछ चल रहा था। पापा ने बोला, मैं तो पापा ने बोला अभी रुक जाओ, उन्हें फ़ौरन वही बोलते हैं, मैं कहा अभी रुक जाओ, अभी दो चार मिनट का बात करनी होगी क्योंकि इनको, तो कहते हैं यार तो मैं कहा मम्मा से बात करो, मैं कहा मम्मा तो वैसे ही नहीं जानवर खड़ लो, तो आपको ऑर्डर था इस वहाँ पर, मैं तो उल्टा ये खुश हो गया था कि देखो ये सब जानवर मैं खरीदा, तुमने पहली मैंने वीडियो बताई ये मैं खरीदा था बिजनेस के हिसाब से, मैंने हम लोग कुर्बानी के लिए नहीं खरीदा था। अब ये था कि देखो मैं बीइंग द यंगेस्ट इन माय फैमिली, मैं कुछ भी काम करता हूँ ना सच बोलने नहीं पाता, कुछ झूठ नहीं बोलना, कोई मूड खराब तो बात नहीं कर रहा, बीइंग द यंगेस्ट इन माय फैमिली मेरे पे सब ऐसे करते बच्चा है कुछ नहीं पता, ठीक है। अब यंगेस्ट पे तो यही होता है, अब पिछले हमेशा जब से जानवर हमारे घर आते हैं ना, हमेशा मेरे भाई सौदे करता था, वो लाता था, मैं कभी मैं सिर्फ दो दफा गया हूँ, दो या तीन दफा मुश्किल से तीन दो दफा गया हूँ मैं, हाँ दो दफा ही गया हूँ, दो दफा या तीन दफा मैक्सिमम गया मैं सुरागपुर मंडी, मैंने जानवर खरीदा, उसमें भी मैंने नहीं खरीदा, भाइयों ने सौदा किया, मुझे तो मना होता तो मैं कुछ नहीं बोलना है, मतलब कि सौदे के अंदर, तो सीन ऐसा होता था। अब एक भाई तो बाहर चला गया मेरा, ठीक है, और दूसरा भाई वो गया, मेरे पास टाइम नहीं इस बार, अब मैं जाहिर है मैं मंडी अकेले तो नहीं जाऊँगा, ये नहीं कि सौदे में वैसे मंडी को अकेला जाता भी नहीं, कोई भी आता तो मैंने दो तीन लोग लेकर जाते, तो मैंने वैसे अपने मैच के साथ जाना था, उन्हें वैसे ही लेना था, तो मैंने वैसे अकेला नहीं जाना था, तो अब ये बात हुई कि अब अब्दुल्ला जा छोड़ो अपना वाला घर ले आओ ताकि मस्ता नहीं हो, वही ये मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 100%, लेकिन यही इनकी नीयत है। खैर छोड़ो उस बात को, अब ये क्या वो जानवर आएगा ईद के दूसरे दिन आएगा सुबह, के पापा ने नहीं लाने देना, मुझे पता है वो स्ट्रिक्ट है इस मामले में, क्योंकि जानवर एंड टाइम पे लाओ काट दो उसको, सो अब सॉरी यार तुम लोगों में नहीं, लेकिन मैं हाँ वैसे जितने भी आसपास आएंगे सब जानवर दिखाऊंगा, हर चीज़ दिखाऊंगा, मैं माजरा चाहता हूँ मेरा जानवर बिल्कुल एंड डे पे आएगा और आते साथ ही कट जाएगा, कैसा ही साथ ही आएगा, तो वो तो मैं ही दिखा सकूँगा, बिकॉज नहीं दिखा सकूँगा फिर क्या करूँगा, तो मैं ब्लॉग इधर ही एंड करूँगा, पर मेरा ब्लॉग बनाना बिल्कुल मूड ही नहीं हो रहा, बिल्कुल कुछ करना मूड ही नहीं है, बस एंड कर रहा हूँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, एड टैग करूँगा और मैं अब सो जाऊँगा, तो मुझसे मिलेगा नए ब्लॉग के अंदर, अपना ख्याल रखना और जो आसपास की सोसाइटी के जानवर है वो दिखा दूँगा ब्लॉग।